इस समय सबसे बड़ी समस्या प्रदूषण की है, उसमें भी वायु प्रदूषण हम सबके लिए चिंता का विषय है। इसलिए सारे विश्व के देश भी इसे चिंतित होकर के कई बार कार्बन ऑक्साइड के विसर्जन उत्सर्जन की भी चर्चाएं विश्व के लेवल पे भी होती है। यहाँ आज यहाँ के रिनाउंड कॉलेज सुबोध कॉलेज ने आज इस पर एक कॉन्फ्रेंस रखी जिसमें कई लोग आए हुए हैं, सत्र भी चलेंगे। मेरा इसे मानना है कि इस समस्या के सुलझाने के लिए व्यवहारिक हल और हर राष्ट्र और राज्य के परिस्थितियों के अनुसार उसका समाधान खोजना चाहिए। जैसे पहले हम साइकिल पे चलते थे, हमने कारें आ गई, तो क्या हम एक ही कार में चार लोग एक जगह नौकरी के लिए जा सकते हैं क्या? क्या हम व्यवहारिक ढंग से उत्पादन करते हैं उसका कोई व्यवहारिक हल हो सकता है क्या? और नहीं तो फिर हमको केदारनाथ जैसी घटनाएं होंगी। हम विकास जरूर करें लेकिन विकास को वायु के साथ समझौता न करें। शुद्ध वायु हर इंसान के लिए, हर प्रजाति के लिए, हर जीव जंतु के लिए, सबके लिए आवश्यक है। उस दृष्टि से कुछ सुझाव भी आ रहे हैं और मैं समझता हूँ कि मंत्रालय विभिन्न काम कर रहे हैं लेकिन इन सारे मंत्रालयों में समन्वय की आवश्यकता है। और सबसे बड़ा वायु तब शुद्ध हो सकती है जब इसके लिए राजनीतिक इच्छा भी हो, साथ के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव इच्छा शक्ति भी हो और आम समुदाय को भी इसके साथ जोड़ते हुए उसकी भी इच्छा शक्ति हमको करनी पड़ेगी। तीनों फ्रंट पे हम एक साथ काम करेंगे तो निश्चित रूप से आज जिन समस्याओं से हम जूझ रहे हैं उसमें केवल एक बात की आवश्यकता है कि प्राचीन जो हमारी सनातन संस्कृति है जिसमें आज भी अंतरिक्ष शांति वनस्पति शांति की हम लोग चर्चा करते हैं उसको यदि व्यवहार में लाएंगे तो सारी चीजें ठीक होंगी। लेकिन नहीं, जीवन शैली उसके लिए ज्यादा जिम्मेदार है। पॉपुलेशन भी बढ़ती है लेकिन पॉपुलेशन का समायोजन, हम केवल अर्बनाइज अधिक होते जा रहे हैं। हमेशा विकास के नाम पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्री खोलना, उसे धुआं निकलना सब होता है लेकिन आजकल उन सब चीजों के समाधान के साथ यदि पुरानी जो हमारी रही है उन्नति के, हम पहले भी विश्वगुरु थे, सारी चीजें थी लेकिन मेरा एक ही मानना है कि देश की चीजों को युगानुकूल बनाए और युग की जो डेवलपमेंट है उसकी चीज को देशानुकूल बनाए। केवल बाहर हो रहा है इसलिए उसकी नकल ना करें। पाश्चात्य देशों की नकल करने का ही आज ये स्थिति बनी है। हम नकल न करते उनकी जो अच्छी चीजें हैं अपनी टेक्नोलॉजी के साथ हम जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से चीजें ठीक होंगी। CA डबल ए देश के लिए आवश्यक है और देश की संसद ने, दोनों सदनों ने इसको पारित किया है, नियम बना दिए हैं, उसका इंप्लीमेंटेशन शुरू हुआ है। मुझे लगता है सारे राज्य इसको लागू करेंगे, किसी एक राज्य पे डिपेंड नहीं है कोई इसके लिए ना कर सके। केंद्रीय कानून है, सब इसको लागू करेंगे। उसका लाभ निश्चित रूप से जिस उद्देश्यों को लेके बनाए कि जो आसपास के राष्ट्र हैं उनमें जो प्रताड़ित लोग हैं पर्टिकुलर छह समुदायों के, उन सबको इसका लाभ होगा और मिलना चाहिए। राज्य लागू करेंगे कानून, स्थिति एक उनको लागू करेंगे। कुछ जो आज मना कर रहे हैं वो केवल पॉलिटिकल दृष्टि से मना कर रहे हैं लेकिन अल्टीमेटली केंद्र के कानून को मना करने के किसी भी राज्य को अधिकार नहीं। बेनिफिट्स हैं कि आज हजारों लोग, मैं कहता हूँ लाखों की संख्या भी हो गई होगी, जो आसपास के देशों में प्रताड़ित हैं उनको अपने देश में जीवन जीने का पूरा अधिकार है, उनको वो नागरिकता मिल करके उन अधिकारों का उपयोग करने का पूरा हक है। क्या राजस्थान में नए विधायक चुन के आए, क्या उनके लिए कोई ट्रेनिंग कार्यक्रम आयोजन किया जाएगा? एक बार तो एक दिवसीय हो चुके हैं, मैं समझता हूँ प्रतिवर्ष इसका हम करेंगे ताकि उनको नित्य नई चीजों का ज्ञान भी हो सके और सदन की जो श्रेष्ठ परंपराएं हैं, मर्यादाएं हैं, नियमों हैं, उसका उनको जानकारी भी हो और व्यवहार में सदन में उसको वो व्यवहार में भी लाएं, इसका अनुरोध रहेगा। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम में मतलब जो सीनियर विधायक है या जो पूर्व विधायक हो चुके हैं उनको भी, ये सभी के रिफ्रेशर कोर्स हमेशा सभी के लिए होता है, एक बुला करके उनसे हाँ सबको मिलाएंगे, लोकसभा सभी बुलाएंगे। यहाँ भी पिछली बार किया ही है, एक दिन का तो किया था, आवश्यकता होगी तो इसको आगे भी करते रहेंगे। आज हमने एक्चुअली एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय
संगोष्ठी का आयोजन किया है जो क्लीनर एयर बेटर फ्यूचर को लेकर के है, और हमने कम्युनिटी को कनेक्ट करने की कोशिश की है इस कॉन्फ्रेंस में, और बड़े बड़े साइंटिस्ट जैसे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, नीरी और टेरी और राजस्थान पोल्यूशन कंट्रोल, बहुत सारे जो डिस्टिंग्विश साइंटिस्ट हैं उनको हमने एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया है और इस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। जैसे कि हम सभी को पता है कि हम जैसे दिल्ली की समस्या देख रहे हैं जो बहुत बड़ी समस्या है, दिल्ली एक केयर चैम्बर का रूप ले चुका है, और कौन कौन से मिटिगेशन मेजर्स हम आगे फ्यूचर में ले सकते हैं उसके लिए हमने ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करी। एक दिल्ली ही नहीं, अन्य कई राजधानी, कई शहर भी इसके जद्दे हैं। एक्चुअली क्या है, एयर पोल्यूशन तो बहुत बड़ी समस्या है, इसका ग्लोबल लेवल पे देखो तो अर्थ के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है जो ग्लोबल वार्मिंग के रूप में है, और जो आने वाला टाइम है इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, एयर पोल्यूशन की वजह से जो जितने भी सी के कोस्टल एरियाज हैं वो डूब जाएंगे, जिसमें अपने चाहे आप मुंबई ले लीजिए, गोवा ले लीजिए, जो भी कोस्टल एरियाज हैं वर्ल्ड के, नॉट इवन हिंदुस्तान के, पूरे विश्व के जितने भी कोस्टल एरियाज हैं उनके डूबने की पूरी संभावना है। डॉक्टर राजेश कुमार यादव, डीन एकेडमिक ऑफ दिस कॉलेज एंड ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस।